इंसान की जिंदगी में जो चीजें उसे बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं और बहुत पीछे छोड़ देती हैं, दुनियावी मामलात से लेकर रूहानी, इखलाकी, कल्बी और कुर्ब इलाही के मामलात तक को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें एक बड़ी चीज़ गफलत है। एक लफ्ज़ होता है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आपकी तवज्जो नहीं है। ये ढेर सारे लोगों का मुतालबा होता है, अहले खाना भी मुतालबा करते हैं, कई मौके पर वालदैन भी मुतालबा करते हैं, गुरबा भी मुतालबा करते हैं कि अमीरों की हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी चीज़ पर जब तवज्जो रहती है तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है, और जब अदम तवज्जो का लोग मुजाहरा करते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है। ये जो अदम तवज्जो है, इसी को गफलत कहते हैं। और जब इंसान के मिजाज पर गफलत तारी होती है और गफलत उस पर पूरी तरह गलबा कर लेती है, तो फिर उसकी जरखेज ज़मीन को वो बंजर करती है। गफलत इंसानी दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इंतहाई तकलीफ और जरर का बाइस है। दिलों पर जो कहत नाजिल होता है, कहत वीरान हो जाते हैं दिल, और जो दिलों पर खुश्की नाजिल होती है कि तबीयतें खुश्क हो जाती हैं, ये गफलत की वजह से होती है। जो लोग गाफिल हो जाते हैं ना, अपने मामलात का ध्यान नहीं रखते। देखे ना, आपको खाना खाते भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर खाना भी गैर मोतदिल खा लिया जाए तो वह इंसान की तबीयत के लिए बाइसे जरर बन जाता है, नुकसान का बाइस बनता है। बात करते हुए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। कई दफा जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान के लिए फिर शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। इंसान को गाफिल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, गाफिल होकर, मदहोश और बेहोश होकर नहीं। गफलत दिल को वीरान करती है, तबीयत में खुश्की लाती है। गाफिल कभी ना बने। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इक़तरब लिन्नास हिसाबहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, वहुम फी गफलति मुरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। टाइम आ गया हिसाब देने का, लेकिन वो अभी भी गाफिल हैं। हमारे जो ज्यादातर नुकसान जिंदगी में हुए हैं, वो सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हुए। हमने चीजों पर तवज्जो नहीं दी, चीजें गड़बड़ हो गई। जिस आदमी ने फूल लगाए हों, फल लगाए हों, खेती लगाई हो, वो दाना डाल के पानी दे के फारिग नहीं हो सकता, उसे तवज्जो करनी पड़ती है। और किसी ने कहा था, माली जींदे हों तो फिर बूटे सूखते नहीं, अगर मौजूद होना उनको सींचने वाला, रखवाली करने वाला, तो फिर उनकी जड़ें कभी खुश्क नहीं हुआ करती। हमारी जो गफलतें हैं, ये बड़ी जरर का बाइस है, नुकसान का बाइस। और मजबूरी माफ होती है, गफलत माफ नहीं होती। स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक मजबूरी हो गई जी, खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी हो गई तो असातिज़ा उस पर सजा नहीं देते। कोई खुशी का मौका है घर में, फैमिली में किसी की शादी है, असातिज़ा उस पर सजा नहीं देते। लेकिन अगर कभी पता चलता था ना कि ये घर से तो आया था लेकिन मदरसे नहीं आया, ये स्कूल नहीं आया, रास्ते में गाफिल हो गया, तो ये बात खौफनाक थी। ये काबिले सजा जुर्म था कि तू गाफिल हो गया अपनी पढ़ाई से, तू घर से आया और यहां नहीं आया। गफलत काबिले सजा होती है, मजबूरी की माफी होती है। हमारा आजकल जो मसला है वो गफलत का है। ढेर सारे लोग हैं, समझदार भी हैं, सियाने भी हैं, मामला फहम भी हैं, बाशऊर भी हैं, तालीम की डिग्रियां भी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगियों की तकलीफों को देखा जाए और बेआबाद रूह को देखा जाए और सजदों से उनकी दूरी को देखा जाए, तो एक ही बात समझ में आती है कि पता सारा है लेकिन ले डूबी है गफलत, तवज्जो नहीं की। लायक बच्चा भी नालायक तरीन जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि उसके लायक होने के साथ साथ उसका तवज्जो करना भी तो जरूरी है ना। निरे लायक का क्या फायदा अगर वो मेहनती नहीं, अगर वो तवज्जो ही नहीं करता, अपना सबक ध्यान से सुनता, पढ़ता ही नहीं, तो जितना मर्जी लायक हो पीछे रह जाएगा। और कई नालायक होते हैं, रट्टा लगा के पास होते हैं, पर चलो रट्टा तो लगाते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, जद्दोजहद तो करते हैं। कई नालायक जद्दोजहद के बायस आगे गुजर जाते हैं और कई इसी चक्कर में रह जाते हैं, मैं बड़ा लायक हूं, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, हफ्ता तैयारी करके पास हो जाऊंगा। अपनी जिंदगी से गफलत का पर्दा उठाए, और गफलत उसके लिए फैसला करने की जरूरत होती है, प्लानिंग करने की नहीं, फैसला करने की जरूरत होती है कि मैंने अब गफलत करनी। हम ना जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मनसूबाबंदी शुरू करते, मनसूबाबंदी ना करें, फैसला करें, कहें कि मैंने गाफिल नहीं होना। गफलत घर के दुनिया का नाम है। अपने आप को गफलत से बचाएं। आप देखें,
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں پیچھے رہ گیا تھا, میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا, گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں, مضبوط ہیں, پرسوں چلا جاؤں گا, تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا, میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی, ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا, تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا, تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے, اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے, وہ منافق بزدل دکھائی دیتے, یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا, حضور واپس آ گئے, جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے, یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے, یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی, ذرا غفلت ہو گئی, تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے, بندہ وہیں سے غافل ہو جائے, جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی, کوئی مجبوری نہیں تھی, تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی. میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, 50 دن حضور ناراض رہے. مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا, در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا, میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے, اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے. فرماتے ہیں 50 دن مسلسل, پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو, میکے بچے بھی بھیج دو, ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی, لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا, بس ذرا بھول گیا تھا, بس ذرا غفلت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا. تو غافل نہ بنے کبھی بھی, ہمارا نا مسئلہ یہ, اور آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں, مالدار بھی غافل ہیں, صاحبان علم بھی الا ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں. جن لوگوں کو چار لوگ جاننے لگ جاتے ہیں, کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں, الا ماشاء. غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں, تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے, لمبی تو نہیں, 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا, 2 ہی تو منٹ لگے تھے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے, بچے تڑپتے رہ گئے, اہل خانہ پریشان رہ گئے, ماں باپ ساری زندگی روتے رہے, لیکن یہ 2 منٹ کے لیے. یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ, اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا, غافل نہیں بننا. ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ. بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں, نہ, توجہ ہما پہلو رکھنی ہے. ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ, ہر چیز کا خیال, ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں, اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وسوق کے ساتھ, کہنے لگے جی معاذ اللہ سبحان اللہ, نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے, روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا. تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے, آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی. عبادت کل ہے, ہما پہلو, ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی. تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا, جتنی ذمہ داریاں ہیں, جتنی ڈیوٹیاں ہیں, ان سب کا خیال. اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑا گھر میں بڑا ہو, قبیلے میں بڑا ہو, علاقے میں بڑا ہو, ادارے میں بڑا ہو, کلاس میں بڑا ہو, جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے, ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے, کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے, کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے. غافل نہ بنے. اچھا جی, اب کیسے پتا چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں, تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے جی. کیسے پتا چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے. اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے
غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے. یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر. دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں. یہ غفلت کی پہلی علامت. پھر ذاتی معاملات میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. ہاں کچھ سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بےچارا بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھڑ لے سن. ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے. پہلی علامت غفلت کی. اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے. وہ جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبا ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے. یہ غافل بندے کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے. چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسما پھل تھا نا یہ، تو بے موسما پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا نوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا. تو پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین ہے. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا.
कहने लगा हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है आप वो मिट्टी के दीवार पर जो कीचड़ लग गया है दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, अब मुझे मुसलमान कर दे। तो गाफिल आदमी जो होता है ना वो। फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह, फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा हदीसे पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया मैंने ये किया। जब आप इजहारे गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया मैं कर लूंगा तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है किसी की नमाज कजा हो जाए तो किसी को बताए ना, कजा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे। जब आप कहेंगे ना मेरी कजा हो गई, तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कजा हो गई या तो मेरी भी हो जाएगी, तो क्या हो। गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी सारी उम्मत को माफी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, जो एलानिया गुनाह, जिन्होंने खुद सारी दुनिया को गवाह बना लिया, मैंने ये भी जुर्म किया ये भी किया ये भी किया ये भी किया, खुद उन्होंने लोगों के। बहुत बड़े गाफिल आदमी की अलामत है कि गुनाह करे और फिर ऊपर से एलानिया गुनाह करे, इतना बड़ा जुर्म करे। फिर चौथी अलामत अगर हम देखना चाहें कि हम गाफिल तो नहीं, तो गाफिल बंदे की चौथी अलामत ही होती है कि वो फजूल कामों में वक्त बड़ा जाया करता है। फजूल याद में इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, यहाँ गपशप हो रही है, वहाँ मोबाइल देखा जा रहा है, फिर कुछ टाइम मिला है तो फिर कहीं दूर दराज किसी होटल पे खाना खाने चले गए, फिर कुछ टाइम मिला तो चलो निकलते हैं ज़रा कोई हफ्ता सैर कर आते हैं, यहाँ गपशप है फलां को डिस्कस कर लेते हैं, फलां के बारे में बात कर लेते हैं, सियासी तबसरे कर लेते हैं, ये थोड़ी गुफ्तगू हो जाती है, चले मोहल्लेदारों पर तबसरा शुरू करते हैं, कौन रोटी ज़्यादा खा रहा है और किसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, चलो जाके पता करते हैं। हालांकि ये पता नहीं करना चाहिए था, पता तो उसका करना चाहिए था जो बेचारा कल से भूखा है, खबर तो उसकी रखनी चाहिए थी जिस बेचारे के घर में बच्चों के लिए पहनने को कपड़े मौजूद नहीं है, उस पर तबसरा ये करते हैं कि ये मेहनत क्यों नहीं करते। और अगर किसी पर अल्लाह अता कर दे फिर हिसाब जरूर लगाते हैं कि जरा मालूमात करो ये इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गए। गाफिल बंदे की अलामत है वक्त का जाया करना और फजूल कामों में जाया करना और बिला वजह जाया, और ऐसे सवालात करना जिनकी जरूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम लोग वक्त जाया किए। गफलत की अलामत, गफलत। अल्लाह वालों की अलामत क्या थी, एक बात उन्होंने जिंदगी में ले ली सीख ली फिर सारी जिंदगी उसी पे गुजार दी, उनका इरादा था ना कशकोल सीधा किया। कुछ लोग सारी जिंदगी लेक्चर कबूल ले लेके सुन सुन के फिर भी समझने को तैयार, ये गाफिल दिल की अलामत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। लोग बिला वजह वक्त जाया करते हैं, अल्लाह ने सेहत दी है किसी खैर के काम में लगाएं। अगर आपके पास फारी वक्त है तो कुरान पाक को याद करें, तर्जमा और तफसीर से पढ़ें, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को याद करें, अल्लाह वालों की बातें सुने, वक्त मिले तो इबादात में लगाएं, नवाफल में लगाएं, तिलावत में लगाएं, जिक्र अजकार में लगाएं, और फिर अल्लाह मजीद तौफीक अता करे तो किसी के भले में वक्त लगाएं, गली से कोई कांटा उठाएं, कोई रोड़ा उठाएं, कोई किसी की मदद करें। लेकिन ये गाफिल उन्हें की अलामत है कि अपने वक्त को जाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बरात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहां भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया जरूरत है मकसद नहीं है, दुनिया की हाजत है मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फकत दुनिया के माल को दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है, मिल जाए तो खुश होता है ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है, ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क़ हलाल जरूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश जरूर करता है पर दुनिया को जेब में जगह देता है दिल में नहीं देता, उसकी जगह जहां है उसे वहां रखता है, उसे दिल में जगह, दिल तो एक है उसमें रब रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना वो भी गाफिल हो जाता है।
एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सजा देगा, मुझे देख रहा है, उसे ना ऊंग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। जिसे पता होना कि मुझे देख रहा है वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़ल्लाह सुम्बम, इस यकीन को पक्का नहीं करता, वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए, सबसे ज्यादा तो बंदा उसके दरवाजे पे जाता है ना जो सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला हो, उस दरवाजे से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना, सबसे ज्यादा करम फरमाने वाली जात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता, वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाजा छोड़ के नहीं जाता, वो कभी किसी और जगह जाके पनाह तलाश नहीं करता। जिसे पता चल जाए ना वो करीम कितना है, मेहरबान कितना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते थक गया, नींद आ गई, ऊंग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा। दे दो जो मांगता है, दे दो मेरे दोस्त, घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोजख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अदम मार्फत गफलत पैदा करती है, तो आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह तआला हुजूर की सहाबियां हैं, अयाम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब जुनैरा अल्लाह पे भरोसा, तवक्कुल, मारफत इलाही का जज्बा उठ के कड़ी हो, कहने की चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं, मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते हैं वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी। तुझे पता चल जाए ना वो मेहरबान कितना है। वे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के जिम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए, क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है, और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाजा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज कोशिश करे कि उसकी मार्फत, उसका करम, उसकी अता, और अल्लाह तबारक का वताला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करे। और फिर आठवीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोहबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोहबत में ना बैठे, उनकी सोहबत में बैठे जिनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचे। चंगियां दे लड़ लगी सां ते चोली च फुल पए, ते जो मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोहबत बंदे को गाफिल कर देते। गाफिलों की सोहबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अल मरू अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से,
हमारा रिश्ता है ना हजरत मुजद्दद अल-फिसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हजरत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से कभी मेरे अली से, हमारा इनसे ताल्लुक है, तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उला बे कमाल कशफत दुजा बे जमाल हसनत जमी व खिसाल सल्लू अलैहि व आलिही। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते हैं अज सिख मित्रां दी वधेरी, अज सिख मित्रां दी, सिख कहते हैं उड़ीक को, मित्र कहते हैं महबूब को, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हूं, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, और फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेरे अली, ओ किथे मेरे अली, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना, अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां बलगल गुलाबे कमाल कशफत दुजाबे, और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तो, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोहबत में, खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो, खबरदार खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो, खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक के जिनके घर ही रहमतों के खजीने में, भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है, ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला आता फरमा, एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं, देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया, क्या शान है क्या मुकद्दर है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रुक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तो हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है एक में उमर को पकड़ा है, फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा, खबरदार हुजूर वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना उनके वफादार रहना, बड़ा अजीब दौर आया है, हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे, आप अब नबी पाक की औलादे पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा, अपना मुंह तो देख अपनी हैसियत देख और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया, तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना, खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना पाकीजा रहना, गाफिलों की सोहबत से बचना, बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं, वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में, एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है, जिनके मनसूबों में दौलत भी होती है घर भी होता है औलाद का बड़ा होना भी होता है पोते पोतियां नवासे नवासियां देखना भी होता है यहां भी घर वहां भी घर ये शहर ये सारा कुछ होता है, लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नजर नहीं होता, लंबी उम्मीदें, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूं, जो डर आता है एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है इतने सौ साल जीना है ये करना है वो करना है, मनसूबाबंदी करें मुस्तकबिल के लिए वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें तैयारी रखें इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, ये गफलत की चीजें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं, जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज्यादा करते हैं ना हंसते ज्यादा, फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा, कुरान कहता है ज्यादा रोया करो कम हंसा करो,
नबी पाक अलैहि सलातो सलाम से पूछा था हजरत उकबा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह निजात किस चीज में है, तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया एक तो अपनी जुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, फजूल ना निकलो गर्ज, और तीसरा फरमाया अपनी खताओं पर रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह ये बंदे को काफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीजें हैं जो इंसान को गफलत में डालती। अपने आप को इन चीजों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके जिम्मे मेरे जिम्मे जो हुकूक को लिबाद है उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें, अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियां तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर अब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और, जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फैसला करना है, तो फैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ताबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में, कल करेंगे परसों करेंगे। उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह लूं फिर मैं नेक हूं, ये थोड़ा सा ये काम टाल मटोल, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, भागो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहि सलातो सलाम फरमाने लगे एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहि सलातो सलाम फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुसअत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते, खुदा ना खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और पांचवी बात हुजूर ने बयान की, फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले पहले, जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी जिंदगी मनसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी जिंदगी में यहां दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो कयामत के बाद सदियों का हमारा फायदा करे, सदियों का फायदा करे। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हजरत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है, लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरे, उसे फटाफट करें। मैं एक गांव में गया, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, ये 10-15 साल 20 साल पहले ना जो नौजवानों की मसरूफियात होती थी, उनमें से एक मसरूफियत ये होती थी कि गंदम लेके चक्की पे जाना है, आटा पिसवा के लाना है। ये एक बड़ी, चूंकि सभी घरों के अंदर साल के लिए गंदम स्टॉक कर ली जाती थी, तो गंदम लेके जाना ये एक ड्यूटी होती थी। एक नौजवान एक गांव में, उसकी मुझे तारीफ सुनने को मिली, तो एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी ये तो बड़ा नसीबा वाला है, सारे ने आटा पिया ले होंगे। और आते जाते पूछ लेता है कि अम्मा कोई, कहने लगी मेरे बच्चे बाहर होते हैं, ये मुझे दवाई भी ला देता है शुगर की, मैं मरीजा हूँ। यानी खैर जितनी हो सके जितनी, मेरे एक संगी है तो सड़क पर कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उसे पूछ लेता हूँ बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पर बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है जरूरतमंद है, कोई चोर नहीं कोई डाकू नहीं, जरूरतमंद है, मैं उसे मंजिल तक नेकी जितनी मुयस्सर आए जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहि सलाम ने, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता करे। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नाम आया माल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे। माजअल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, झूठा कुरान मजीद नहीं लोग उठा लेते, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे उससे पहले पहले जब फितने इतने ज्यादा हो जाए, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देखिए हमारे नबी पाक अलैहि सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहि सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहि सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए,
ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए तो महबूबे पाक अलैहि सलाम फरमाने लगे, घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया, फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है। किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले, मैंने बुजुर्गों को देखा अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते हैं कि मैं सोने लगाऊं और पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त मैं मौजूद होऊंगा आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया, और जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फलां दिन आना। कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम या माल में कोई नेकी जाएगी, कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है, कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए गजवाए उहद के मौके पर, और हाल उनका यह था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहां जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है, जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना। उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अंस बिन नदर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के चचा हैं, मैदान उहद में ना उहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और कयामत के बाद नसीब होगी। फरमाते थे मुझे तो अभी उहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़े। तो नेकी में देर नहीं करनी, जो नेकी मुयस्सर आती है, जिसको मुयस्सर, माँ बाप मुयस्सर है तो खिदमत कर लें, अहले खाना है तो उसने सलूक कर लें, अल्लाह ने औलाद दी है तो अच्छी तरबियत कर लें, दोस्त हैं तो खैर खाई कर लें, अगर आपको अल्लाह रमजान अता करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी इबादत कर लें, अगर नजर ठीक है तो तिलावत ज्यादा से ज्यादा कर लें, जुबान चलती है तो रज रज के मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, जल्दी से खैर जमा करें, अपने वक्त को जाया न करें। ये आज का सबक है। एक तो हमने फैसला करना है कि बस गफलत नहीं, अब गफलत अब इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करनी है, अब कोई खैर का काम करना है। मेरे हजरत का एक जुमला कभी नहीं भूलना, फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम, ये छोड़ दें, इतने घंटे सोना है तो ये करना है तो मेरी नींद में दखल कोई ना डाले, फिर सोते ही रह जाएंगे, सोते ही रह जाएं, जमीन के ऊपर काम और नीचे जाके जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, अब जाग ले अफलाक के साए के नीचे, जाग खोल आंखें, हर वक्त का सोना, हर वक्त सोना, हर वक्त जो अपने आराम की फिक्र करना इससे निकल आए, और अच्छा खाना और अच्छा पहनना और बस अपनी मर्जी की जिंदगी मन चाहिए जीना इससे बाहर आए। फैसला करें, फैसला कि अब गफलत नहीं करनी, अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है तो उसे दीन के काम पे लगाना, कोई ड्यूटी करनी है, कोई खिदमत करनी है। देखो खिदमत हो रही है, सिद्दीक अकबर माल दे रहे हैं, उस्माने गनी माल दे रहे हैं, मौला अली ने तलवार पकड़ी है, मैदान में जा रहे हैं, फारूक आजम गली गली नगर नगर रसूलुल्लाह के दीन की पहरेदारी कर रहे हैं, हजरत जनाब सैयदना सलमान फारसी अबू ज़र गफारी हुज़ूर की मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, और बिलाल हबशी वो नबी पाक की मस्जिद में अजान पढ़ते 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 रब ने इतना उरूज फरमाया कि काबे की छत पे खड़े होकर भी अजान पढ़ने,
उन्हें अजान दे। तो कोई काम करना है, गफलत को तोड़ना है और नेकी करनी है जरा जल्दी जल्दी, खैर का काम करना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, फटाफट। कैसे जी? फटाफट। तो फटाफट काम करें खैर का, जल्दी जल्दी। तो ये खैर का काम फटाफट, जल्दी जल्दी और बड़ी जल्दी और दौड़ धूप के। और जब आप करते जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला मौके बनाता जाएगा। आपसे मेरी अपील है, बिलखुसूस मेरे साथ जो वाबस्ता संगी हैं, जो प्यार करने वाले हैं, दो बातें आज आपने लेके जानी है घर। यही लंगर है, यही आपके लिए दुआ है, यही हमारे बुजुर्गों का फैज है, यही नसीहत है कि आपने ये दो बातें लेके जानी है। गफलत तोड़ देनी है, फैसला करना है कि आज के बाद गाफिल नहीं होना। और दूसरी ये बात लेके जानी है कि नेकी जल्दी जल्दी, फटाफट फैसला, फटाफट नेकी। एक करके फिर इंशाल्लाह दूसरी, दूसरी करके फिर इंशाल्लाह तीसरी, तीसरी करके फिर इंशाल्लाह चौथी। ये शुरू करनी है और आप देखेंगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, मदद करेगा।